दोस्तों आज हम आपको सोने की फैक्ट्री में सोने से एक चीज बनते हुए दिखाएंगे। आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज की ये वीडियो बड़ी ही मजेदार है, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्ड बिस्किट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों क्या आपको पता है कि सोने के बिस्किट कैसे बनाए जाते हैं? दोस्तों सोने के बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले सोने को एक भट्टी में पिघलाकर उसे छोटे छोटे दानों के रूप में ढाला जाता है। फिर सोने के दानों को तोला जाता है और फिर तोल के हिसाब से जितने भी ग्राम के सोने का बिस्किट बनाना होता है उस हिसाब से सोने के दानों को बिस्किट के आकार के बॉक्स में भर दिया जाता है और फिर इस बॉक्स को बंद करके एक हीटिंग मशीन में रख दिया जाता है। ये मशीन इन दानों को मिनटों में सोने का बिस्किट का रूप दे देती है। फिर इन बिस्किट को पानी में डालकर ठंडा किया जाता है। ऐसे आपका सोने का बिस्किट बनकर तैयार हो जाता है। अब इस सोने के बिस्किट पर कंपनी अपनी मोहर और सोने के बिस्किट का वेट वगैरह प्रिंट करती है। ऐसे आपके सोने के बिस्किट बनकर पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। चेन मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों आप सभी ने गोल्ड की चेन तो देखी ही होगी। गोल्ड चेन पहनने के लड़के और लड़कियां दोनों ही शौकीन होते हैं। पर क्या आपको पता है इतनी खूबसूरत सोने की चेन आखिर फैक्ट्री में बनती कैसे हैं? दोस्तों सोने की चेन पहले हाथों से बनाई जाती थी, जिन्हें बनाने के लिए कारीगर सबसे पहले सोने के कच्चे मटेरियल यानी सोने के दाने को तोलकर उन दानों को एक भट्टी में डालकर उन्हें आग से पिघलाते हैं और सोने को पिघलाने के बाद उसे एक फ्रेम में डालकर ठंडा कर लेते हैं। ठंडा होने के बाद सोने की एक मोटी पट्टी या छड़ बन जाती है। उसके बाद इस पट्टी को एक रोलर मशीन में को बार बार निकालकर इसे एक पतली और लंबी छड़ का आकार दिया जाता है। इसके बाद इस सोने की छड़ को दूसरी रोलर मशीन में को निकाला जाता है, जो इस सोने की छड़ को एक मोटे तार का रूप दे देती है। इसके बाद इस सोने के तार को एक लोहे की छड़ पर गोल गोल मोड़कर लपेट लिया जाता है। ऐसे ये सोना एक स्प्रिंग का रूप ले लेता है। इसके बाद इस सोने के स्प्रिंग को छोटे छोटे गोल टुकड़ों के रूप में एक मशीन की मदद से काट लिया जाता है। इसके बाद इन गोल टुकड़ों को आपस में चेन की तरह जोड़ा जाता है। इन टुकड़ों को जोड़ते समय बीच में आग से पिघला कर इनके जोड़ बंद किए जाते हैं। इसके बाद ऐसे जोड़ जोड़ कर पूरी चेन को जोड़ दिया जाता है। इसके बाद इस चेन को एक मशीन में लगाकर इसे घुमाकर अलबेट दिए जाते हैं, ताकि ये चेन घूम कर अलबेट खाकर एक खूबसूरत सा डिजाइन ले ले। ऐसी ये चेन एक खूबसूरत डिजाइन वाली बन जाती है। इसके बाद इस चेन को एक केमिकल में डुबोया जाता है, जिससे इस चेन में एक चमक पैदा हो जाती है। इसके बाद इस चेन में नेकलॉक लगाया जाता है। ऐसे एक खूबसूरत और चमकदार चेन पूरी तरह बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन दोस्तों आज के दौर में सोने की चेन बनाने में कुछ भी मेहनत नहीं होती है। सोने की हजारों लाखों चेन मशीनों की मदद से चुटकियों में बनाई जाती हैं। देखिए ये फैक्ट्री सोने की चेन बनाने के लिए सबसे पहले सोने के कच्चे मटेरियल को एक मशीन में डालकर उसे मशीन की मदद से एक वायर यानी तार के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं और इस सोने के तार को साथ साथ रोलर पर लपेट कर इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बाद इस सोने के तार को अगली मशीन में लगा दिया जाता है, जहां ये मशीन इस सोने के तार से ऑटोमेटिक सोने की चेन बनाती जाती है।
इस मशीन से जिस डिजाइन की भी सोने की चेन बनानी होती है उसे कंप्यूटर पर पहले ही से सेलेक्ट कर दिया जाता है और फिर यह मशीन खुद सोने की तरह तरह की चेन बनाती चली जाती है। इस सोने की चेन को बनाते हुए साथ ही साथ इस चेन को एक रोलर पर लपेटा जाता है। इसके बाद इस चेन को वर्करों की मदद से एक नॉर्मल साइज के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है और फिर इन चेन को गले में पहनने के लिए इसमें नेक लॉक भी लगाया जाता है। ऐसे ये सभी चेन तैयार करने के बाद इन सभी चेन को एक केमिकल में डुबोया जाता है जिससे ये सभी चेन्स चमकदार और खूबसूरत बन जाती हैं। ऐसे ही कंपनी अलग अलग तरह के डिजाइन वाली सोने की चेन भारी तादाद में मिनटों में तैयार कर देती है। गोल्ड नेकलेस मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, सोने का नेकलेस या सोने का हार भला कौन औरत पहनना पसंद नहीं करती है, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि ये सोने के खूबसूरत हार आखिर बनते कैसे हैं? दोस्तों, सोने का हार किसी मशीन द्वारा नहीं बनता है, ये सिर्फ हाथों की कारीगरी से ही बनाया जाता है क्योंकि इसमें काफी बारीक काम होता है जो कि मशीनों के बस की बात नहीं है। इस सोने के हार को बनाने के लिए कारीगर सबसे पहले सोने के कच्चे मटेरियल जैसे सोने की चेन, सोने का तार और सोने के मोती वगैरह ये सब लेकर अपना हार बनाना स्टार्ट कर देता है। कारीगर हार बनाने के लिए चिपकन वाले गत्ते का इस्तेमाल करता है ताकि वो जो भी चीज हार में लगाए वो वही चिपकी रहे, इधर आधे निकल के ना भागे। ऐसे कारीगर पूरा हार तैयार करने के बाद इस हार को एक साथ चिपकाने के लिए इस पर एक चिपकन का पेस्ट बनाकर डालता है और फिर कुछ घंटों के बाद ये चिपकन का पेस्ट सूखकर एक मोटी परत का रूप ले लेता है। इसके बाद हार पर आग का प्रेशर मारकर इसे मुलायम करके इसे उठाकर अलग कर लेते हैं। ऐसे आपका हार बड़ी मेहनत के बाद पूरी तरह तैयार हो जाता है। लेजर कटिंग मशीन। दोस्तों, ये एक बड़े ही कमाल की मशीन है जो लेजर किरणों के द्वारा सोने की शीट की कटिंग करती है। इस मशीन से आपको सोने का कोई भी सुंदर डिजाइन बनवाना हो, चाहे वो डिजाइन फूलों का हो या पत्तियों का हो या फिर किसी भी तरह की मोहर का हो या फिर किसी चीज का चित्र बनवाना हो या फिर आपको अपना नाम ही बनवाना हो, कुछ भी बनाने के लिए आपको सिंपली कंप्यूटर में वो डिजाइन सेलेक्ट कर देना है और फिर मशीन के अंदर एक गोल्ड शीट का छोटा सा टुकड़ा रख देना है और फिर ये मशीन ऑटोमेटिकली आपका मनपसंद कोई भी डिजाइन मिनटों में बनाती चली जाती है। देखिए ये कितनी तेजी से आपका मनपसंद डिजाइन बना देती है। ये मशीन बड़ी ही सफाई के साथ लेजर किरणों द्वारा कटिंग करती है। वाकई में दोस्तों ये मशीन बड़े ही कमाल की है। गोल्ड ब्रेसलेट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, जो सोने के खूबसूरत और डिजाइनदार ब्रेसलेट या कंगन आपके घर की लेडीज पहनती हैं, क्या आपको पता है सोने के ये खूबसूरत और डिजाइनदार कंगन आखिर फैक्ट्री में बनते कैसे हैं? तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, सोने के कंगन बनाने के लिए सबसे पहले पुराने सोने को या कच्चे सोने के मटेरियल को एक भट्टी में डालकर गर्म किया जाता है। फिर पिघले हुए इस सोने के लिक्विड को लोहे के एक फ्रेम में डालकर इसे एक पत्ती का आकार दे लेते हैं। फिर इस सोने की पत्ती को हथौड़े से पीट पीट कर पतला किया जाता है। इसके बाद इस पत्ती को एक रोलर मशीन से दबाया जाता है जिससे ये पत्ती और ज्यादा पतली और लंबी हो जाती है। इसके बाद इस पत्ती को काट कर इसके दो टुकड़े कर लिए जाते हैं।
फिर इन दोनों सोने की पत्तियों को एक बार फिर रोलर मशीन में दबाकर इन पत्तियों को पतला और लंबा कर लिया जाता है। अब इन दोनों पत्तियों को मोड़कर इनके जोड़ को आग से गर्म करके एक साथ मिला दिया जाता है। फिर इन कंगन को एक गोल फ्रेम में डालकर कंगन को गोल शेप में मोड़ दिया जाता है। फिर कंगन के जॉइंट को और कंगन को घिसकर एक साथ कर लिया जाता है। ऐसे आपका प्लेन कंगन बन जाता है। इसके बाद इन कंगन पर आग का प्रेशर मारकर और एक केमिकल मशीन में घुमाकर इन कंगन को चमकदार बना लिया जाता है। अब बात आती है इन प्लेन कंगन पर डिजाइन बनाने की। इन कंगन पर डिजाइन बनाने के लिए CNC मशीन की मदद ली जाती है। ये मशीन कंगन को किसी भी तरह का खूबसूरत डिजाइन प्रदान कर सकती है। CNC मशीन से कंगन पर जौन सा भी डिजाइन बनाना होता है उसे कंप्यूटर पर पहले ही सेलेक्ट कर दिया जाता है और फिर उसके बाद ये मशीन उस डिजाइन को ऑटोमेटिक कंगन पर बनाती चली जाती है। तो दोस्तों ऐसे कंगन पर एक से एक खूबसूरत डिजाइन ये मशीन डालती जाती है। जितना अच्छा डिजाइन कंगन पर डाला जाता है कंगन की कीमत भी उतनी ही फालतू हो जाती है। गोल्ड कॉइंस मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों गोल्ड कॉइंस यानी सोने का सिक्का बनाने के लिए सबसे पहले सोने की ईंट को गर्म भट्टी में डालकर पिघलाया जाता है और फिर इस पिघले हुए सोने को एक पतले तत्व के रूप में ढाल दिया जाता है और इस पत्ती को एक रोल पर लपेट दिया जाता है। फिर अगली मशीन पर इस सोने की पत्ती को छोटे पीसेस में काट लिया जाता है। फिर इन सोने की पत्तियों को एक रोलर मशीन में डालकर और ज्यादा पतला और स्मूथ बना लिया जाता है। इसके बाद इन सभी सोने की पत्तियों को अगली मशीन में लगाकर इन्हें कॉइन्स यानी सिक्के के आकार में काट लिया जाता है। ऐसे ये मशीन पूरी सोने की पत्तियों को सिक्के के रूप में काटती जाती है। इसके बाद इन सभी सिक्कों का वजन चेक किया जाता है। वजन चेक करने के बाद इन सभी सिक्कों को अगली पैकिंग मशीन में डाल दिया जाता है जहां पर यह मशीन इन सभी सिक्कों को अलग अलग बॉक्स में पैक करती जाती है। ऐसे इन सभी सिक्कों को पैक कर दिया जाता है। इसके अलावा कुछ गोल्ड कॉइन्स पर कंप्यूटर द्वारा नेम प्रिंट करके उनके गोल्ड मेडल बना दिए जाते हैं। गोल्ड ब्रिक मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों सोने की ईंट बनाने के लिए फैक्ट्री में सबसे पहले सोने के कच्चे मटेरियल को और सोने की पुरानी खराब ज्वेलरी को एक भट्टी में डाला जाता है जहां ये भट्टी गर्म करके सोना पिघला देती है और फिर इस पिघले हुए सोने को ईंट के आकार के फ्रेम में डाला जाता है। ऐसे ईंट के साइज के फ्रेम में सोने के लिक्विड को भर देते हैं और फिर ये लिक्विड ठंडा होकर सोने की ईंट का रूप ले लेता है। ऐसे फैक्ट्री में धड़ल्ले से हर रोज हजारों सोने की ईंटें तैयार की जाती हैं। हाँ दोस्तों सबसे जरूरी बात, अगर हम इससे भी अच्छी वीडियो बनाएं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।